वैसे तो जिद्दां दी पिछली चोण हुई सी जदों साल हो गया कि जदों धामी साहब प्रधान बनाए सी सही मैंने की गल तो बीबी जी उदों ही लाविंग कर लग गए हुण कोई ढाई तीन महीने दे तां बीबी जी पूरे जोर नाल मैंबरां नूं मुलाकातां करन मैंबरां नाल गलबात करन उन्हां नाल विश्वास लैण ते लगे हुए सन। प्रधान जी ने भी कहा जी मैं भावें कल्ली रह जां मेरी भावें इक ही वोट होवे मैं मन बना रहा मैं तां चोण लड़नी है। बहुतियां गल्लां दा बीबी जी जानबूझ के भंबल भूसा पैदा कर रहे हैं कई गल्लां दे विच। वैसे तो जिद्दां दी पिछली चोण हुई सी जदों साल हो गया कि जदों धामी साहब प्रधान बनाए सी सही मैंने की गल तो बीबी जी उदों ही लाविंग कर लग गए सी पर चलो असीं उहनूं लिया नहीं बहुता सीरीयस। हुण कोई ढाई तीन महीने दे तां बीबी जी पूरे जोर नाल मैंबरां नूं मुलाकातां करन मैंबरां नाल गलबात करन उन्हां नाल विश्वास लैण ते लगे हुए सन। जदों चोण नेड़े आ गई तो कुछ बंदयां ने गल कीती प्रधान जी कोल प्रधान जी बीबी जी चोणां दे विच पहलां ही फिरदे आ तो ज्यादा मैंबरां दा राय आ जां पार्टी दी सीनियर लीडरशिप दी राय आ भी धामी साहब दा जिहड़ा कार्यकाल आ पिछले साल दा बहुत चंगा है कोई शिकायत नहीं निम्रता भरिया तो सारयां नूं नाल लैके चलण वाला रहा है सारे लोग इत्थे खुश ने तो फिर दो कैंडीडेट किवें चोण लड़नगे। तो फिर प्रधान जी ने चीमा साहब नूं भेजा बीबी जी कोले सरदार दलजीत सिंह चीमा जो साढ़े दफ्तर दे विच ने पार्टी दे सीनियर मीत प्रधान ने भी तुसीं जाके बीबी जी नूं समझाओ तो पुछो जाके भी असल गल की है। चीमा जी उन्हां दे पिंड गए उत्थे गलबात की काफ़ी लंबा समा गल करन तों बाद उन्होंने कहा भी मैं तो चोण लड़नी है जो मर्जी होवे मैं तो एक ही मन बना लिया भी चाहे पार्टी टिकट मैनूं दे दिंदी है वधिया नहीं दिंदी मैं तां भी लड़नी है। वो आके रिपोर्ट चीमा साहब ने प्रधान जी नूं देती प्रधान जी ने फिर आप बुलाया बीबी जी आ बुला के घरे काफ़ी चिर उन्होंने गलबात की लंबा समा यही कह बीबी जी है कि तुम चोण ना लड़ो तुम पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा मैं उम्मीदवार बनाओ तो प्रधान जी ने साफ किया भी नहीं तुम पार्टी के उम्मीदवार नहीं है एर कि तुम्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता इस करके तुम ना लड़ो चोण। फिर उन्हें कहा जी सू दोनों इजाजत दे दो लड़न की उन्होंने भी दे दो मैं भी दे दो तो प्रधान जी ने कहा यह कोई डिसिप्लिन वाली गल नहीं ना ये गल थानू करनी चाहिए है ये पार्टी के असूलों के उल्टा एक ही कैंडिडेट होंगे पार्टी का हमेशा जोड़ा होएगा सो तुसी मेरी बेनती है थोनों भी तुसी चोण ना लड़ो ते पर उस गलते विजिद सी प्रधान जी ने भी कहा जी मैं भावें कल्ली रह जा मेरी भावें एक ही वोट होवे मैं मन बना रहा मैं तो चोण लड़नी है। चलो प्रधान जी ने फिर पार्टी के सीनियर कोई अठ दस बंदे जिहड़े दस बारह सीगे उन्होंने सद के फिर विचार वटांदरा किया भी आह स्थिति है हुण आपां की करिए तो फिर सारे जिम्मेवार सज्जणां ने कहा कि एक बार होर बीबी जी नूं कहीए मिलन बंदे भेज दईए समझाइए जे ना इह नौबत आवे। फिर सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा तो सरदार दलजीत सिंह चीमा उन्होंने ड्यूटी लगाई गई भी तुसी जाके समझाओ सारा बीबी जी जाके वो भी तीन ढाई घंटे रहे बड़ा उन्होंने कोशिश की मना उन्होंने इतों तक भी वायदा कर लिया कि भी अगली बार थोनू बना देंगे तुसी साड़ी गल मान लो अज ऐतकी ना लड़ो ये चोण अगली बार थोनू लड़ा देंगे। तो बीबी जी ने उत्थे भी टस तो मस नहीं हुए कहते नहीं मैं तो फैसला कर लिया चोण लड़नी है। थोनू ये सारिया गल्लां तां दसन की लोड़ पई है कि बहुतियां गल्लां दा बीबी जी जानबूझ के भंबल भूसा पैदा कर रहे हैं कई गल्लां दे विच ये तां सारी क्लेरिफिकेशन तुहाडे सामने लियांदी है प्रेस दे कि तुहानू सारी गल दा घट्टो घट पता होवे असीं हर गल हर थां बह के उहनां नाल करन नूं तैयार हां जे कोई साडी इक गल दे विच वी कोई फर्क निकले तां। चलो जदों ये गल फिर वो कमेटी ने भी आके रिपोर्ट देती भी कोई हुण चारा नहीं हैगा इस गल दा भी हुण अपने कोले मैंबर भी सानू कहण लगे भी सानू दसो जी की करिए बीबी जी भी सानू टेलीफोन करी जांदे आ तुसी कोई कैंडिडेट नहीं अनाउंस करिया कोई फैसला करो पार्टी असी की करिए बीबी जी रोज़ ही सानू पुछदे आ कईआं नू मिलण आउंदे आ कईआं कोले रिश्तेदार भेजदे आ कईआं नू कुछ करदे आ। तां फिर उस वेले पार्टी ने फैसला किया कि हुण वेला आ गया कि कोई ना कोई